भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर कॉलोनी निवासी श्रीकांत शर्मा की आवास पर आज विजिलेंस की टीम ने सघन छापेमारी की। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के श्रीकांत शर्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर कार्यरत है। उनके घर से विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी कर 80 लाख रुपए नकद, लाखों रुपए की जेवरात और जमीन के कई कागजात बरामद किए हैं। जब छापेमारी शुरू हुई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। फिर छापेमारी के दौरान उनके घर से एक ब्रीफकेस में नोटों के भरा बंडल बरामद किया। वहीं निगरानी टीम ने आय से अधिक संपत्ति रखने के एवज में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा को फिलहाल विशेष निगरानी इकाई की टीम अवैध संपत्ति सहित कागजातों को खंगालने में जुटी हुई है। बिहार में भ्रष्टाचार पर विशेष निगरानी टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता के बारे में भी पता चला कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। वहीं पटना से आए अधिकारियों ने बताया कि इस पर विशेष जांच टीम बैठाई गई है। इसकी जांच की जाएगी और इसके कई ठिकानों पर भी छापेमारी की जाएगी। इसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल श्रीकांत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। संख्या 28/23, ये दिनांक 24/7/2023 को रजिस्टर किया गया था। ये श्री श्रीकांत शर्मा हैं, ये प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, और अभी वर्तमान में ये आरसीडी के भी ईई के पोस्ट पे इंचार्ज में। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति गए कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए कोर्ट से कल सर्च वारंट लिया गया था और हम लोग निगरानी पटना से आए हैं और हम लोगों के टीम के सहयोगी बाकी लोग देख रहे हैं। और अभी जो सर्च में प्रथम दृष्टया जो कई कागजात दस्तावेज जमीन से संबंधित, बैंक से संबंधित और ज्वेलरी और नगद लगभग 2 सूटकेस भरा हुआ, जिसके अभी गणना की जा रही है। अभी तो प्रथम दृष्टया लगभग 70 से 80 लाख रुपए के आसपास, ये पूरा गिनती होने के बाद ही एग्जैक्ट अमाउंट बता पाएंगे कि कितना। ज्वेलरी भी होगी लगभग, अब तो वैल्यूअर हम लोग मंगा रहे हैं, उसके बाद बता पाएंगे कि ये तो अंदाज अभी से होगा। बाकी तो जब अभी हम लोग एक फाइनल जब होगा तो एक प्रेस ब्रीफिंग निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा रिलीज किया जाएगा। क्या यही कार्रवाई होगी और भी दिखाना? हाँ, और इनके ऑफिस में भी जो है एक टीम गई है, वहाँ भी तलाशी ली गई है। मेरा नाम पुलिस उपाधीक्षक सत्यकाम है, हमारे साथ इस टीम के लीडर पुलिस उपाधीक्षक श्री संजय जायसवाल हैं। टीम में पुलिस निरीक्षक श्री संजीव कुमार, पुलिस निरीक्षक श्री जायसवाल जी, श्री सत्येंद्र राम और भी हमारे सब इंस्पेक्टर्स और हमारे कॉन्स्टेबल्स हैं टीम। थैंक यू सर। ये बिहार पुल निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं श्रीकांत शर्मा जी। जी, उनके अगेंस्ट डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस विजिलेंस किया है पटना में। जी, 28/2023 डेटेड 24/7/2023 दर्ज किया गया था ऐसे अधिक संपत्ति के बारे में। माननीय न्यायालय से तलाशी वारंट लेकर के माननीय न्यायालय के आदेश से आज उनके घर पर उनके कार्यालय में डीएमएस द्वारा तलाशी की जा रही है। तलाशी के दौरान कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई अभी चल रही है। कितना अमाउंट लगभग बरामद हुआ सर? अभी गिनने की कार्रवाई की जा रही है पूरा। अभी जो कुछ है करोड़ों में है कि लाख? लगभग लगभग दो, ये जो आपको मीडियम साइज सूटकेस है उसमें मिला है। ऑर्नामेंट के बाद पता चलेगा। ऑर्नामेंट्स भी है? ऑर्नामेंट्स के ऑर्नामेंट अपना परचेस है। मैं संजय जायसवाल, डीएसपी विजिलेंस, इसके डीएसपी सत्यकाम है विजिलेंस के।